तस्वीरें सामने लगातार आ रही हैं, कहीं पर पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं पर सड़कें नदियां जैसी दिखाई दे रही हैं, कहीं लोगों के घरों में पानी भर गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल हालात अगर कहीं है इस वक्त तो वो है उत्तराखंड में। देहरादून में गढ़वाल को जोड़ने वाला पुल दो जगहों से टूट गया। गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। उत्तराखंड के ही हल्द्वानी की अगर तस्वीरें आप देख रहे होंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे हालातों के बीच यहां पर इस वक्त परेशानी लोगों के सामने है। लगातार बारिश हो रही है, कहीं कहीं लैंडस्लाइड भी हो रहा है। बिहार की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिहार के सुपौल में भी लगातार बारिश ने इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के पानी ने थाने पर कब्जा कर लिया है। और असम का हाल भी आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, नदियां उफान पर हैं, घरों में पानी भर गया है, लोगों के सामने कई तरह की परेशानी इस पर। तो देवभूमि उत्तराखंड में प्रकृति के प्रचंड प्रहार के आगे इस वक्त सब नतमस्तक नजर आ रहे हैं। कहीं पुल टूटा तो कहीं सड़क धस गई। उत्तराखंड से आई प्रकृति के प्रहार की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। धीरे धीरे बड़ा छेद होते होते बड़ा सा हो गया, जो बांध को लेकर के बैठ गया। चंद लम्हों में ये पुल किसी पत्ते की तरह ढह गया। ये वो पुल है जो लहरों के प्रचंड प्रहार से धराशायी हो गया। तस्वीरें देहरादून ऋषिकेश हाईवे की हैं, जहां शुक्रवार को रानी पोखरी के पास ये हादसा हो गया। नदी का बहाव इतना तेज था कि उसे ये पुल सह नहीं पाया और धड़ाम हो गया। इस टूटे हुए पुल के हिस्से पर दिख रही दरारें हादसे की गंभीरता बता रही हैं। हादसे के वक्त यहां से गुजर रही गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। देखिए किस तरह पुल के टूटे हिस्से के बीच ये दो गाड़ियां फंसी हुई हैं। ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इन गाड़ियों में एक गाड़ी तो सीधी खड़ी है, लेकिन दूसरी पूरी तरह से पलट गई। ये व्यक्ति अपनी बाइक को बाहर निकालने की कोशिशों में लगा हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुल टूटने की वजह पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए। जांच करवाऊंगा कि ये पुल कब बना था और इसमें कौन सी कार्यदायी सस्ता थी, और जल जीवन सामान्य उसके लिए हम व्यवस्था करेंगे। पुलिस विभाग को हम निर्देशित करेंगे कि वहां से लोग न जाएं, क्योंकि वो अब खतरे वाला है। सभी से मैं अपील भी करता हूं कि वो रास्ता उसका डाइवर्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो 7 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। मामले में कई अधिकारियों और ठेकेदारों पर गाज गिर सकती है। पुल को लेकर लापरवाही का अंदेशा जताया जा रहा है। उत्तराखंड पर पड़ रही प्रकृति की मार की दो और तस्वीरें शुक्रवार को सामने आई। एक तस्वीर में बादल फटने के बाद नदी के बढ़े जलस्तर की वजह से सड़क कट गई, तो दूसरी तस्वीर बारिश के बाद हुए भूस्खलन की है। ये देहरादून से करीब 10 किलोमीटर दूर माल देवता सहस्त्रधारा लिंक रोड की तस्वीर, जहां बादल फटने के बाद सौंग नदी ने ऐसा रौद्र रूप धारण कर लिया कि कई मीटर तक सड़क नदी में ही समा गई। खेरी गांव में बह रही पानी की ये धारा इतनी तेज है कि एक छोर से दूसरे छोर तक जाने की हिमाकत करने वाले किसी भी इंसान को कुदरत का सामना करना पड़ेगा। पानी के इस तेज बहाव में दो गाड़ियों के बहने की भी खबर। सड़क पर फैला मलबा और लंबा जाम तस्वीरें मसूरी देहरादून हाईवे की, जहां बारिश के बाद अचानक हुए भूस्खलन से वाहनों के पहिए थम गए। पेड़ों और पहाड़ों के इन घुमावदार रास्तों के बीच नजर आ रही ये गाड़ियां कई घंटों तक लंबे जाम में फंसी रही। जेसीबी की मदद से रास्ते में गिरे मलबे और पत्थरों को हटाया गया। करीब 14 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रास्ते को साफ किया गया और गाड़ियां आगे बढ़ सकी। उत्तराखंड में पुल टूटने की खबर हमने आपको अभी दिखाई, अब आप देखिए कि कल टूटे पुल को लेकर प्रशासन कितना चुस्त है। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। देहरादून से गढ़वाल और कुमाऊं के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने वाला पुल बारिश की मार के आगे कैसे ढेर हो गया। अब लोगों की मुसीबत यहां पर दोगुनी हो गई है। एक तो मौसम की मार, दूसरी तरफ इस पुल के टूटने से यातायात बाधित हो गया है। दूसरे छोर पर रह रहे लोगों को 2.5 घंटे का अतिरिक्त सफर देहरादून तक पहुंचने के लिए करना होगा। एहतियातन पुल तक जाने वाले रास्ते पर एक अस्थायी दीवार बनाई जा रही है।
आपको एक बार फिर से दिखाते हैं कि कैसे देहरादून ऋषिकेश सड़क मार्ग पर बना रानी पोखरी पुल चंद सेकंड्स में भरभरा कर गिर पड़ा। वीडियो में पुल का एक हिस्सा गिरता दिख रहा है। पुल टूटने की जानकारी मिली तो डीएम वहां पहुंच गए। डीएम के पहुंचने के बाद भी पुल के दो और हिस्से गिर गए। देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर बना तकरीबन 57 साल पुराना पुल नदी के तेज बहाव की वजह से टूट गया है। और मेरे पीछे जो हिस्सा आप टूटा हुआ देख रहे हैं ये उसी पुल का है कि जो नदी के तेज बहाव की वजह से टूट कर गिर गया है। और जो डोईवाला ऋषिकेश मार्ग को सीधे कनेक्ट करता था अब यहाँ पर आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। इस पुल का दो हिस्से टूटे गए हैं, एक जो रानी पोखरी के साइड का हिस्सा है वो टूटा है और दूसरा बीच पुल पर जो हिस्सा था वो टूट कर नीचे गिर गया है। तकरीबन ये 20 मीटर से ज़्यादा का हिस्सा है जो नदी पर जो पुल बना था उसका टूट कर नीचे गिर गया है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि क्योंकि पुल भी काफ़ी पुराना था और एक वजह इसकी ये भी बताई जा रही है कि यहाँ पर भारी मात्रा में खनन किया गया है और नदी के जो एक साइड का हिस्सा आप देख रहे हैं जो गहराई का है वहाँ पर खनन किया गया था और खनन की वजह से ही ये पुल का जो हिस्सा है वो टूट गया है। पिलर धंसे और पिलर धंसने की वजह से पुल भरभरा कर नीचे गिर गया। हालांकि बड़ी बात ये रही कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई जो जान हानि थी वो नहीं हुई है और अब PWD विभाग समेत जो प्रशासन ने उसने पूरी तरह यहां पर आवाजाही बंद कर दी है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस पुल की अब जांच की बात ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है और अब कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि जो गढ़वाल क्षेत्र से देहरादून आने वाले लोग हैं उन्हें अब नेपाली फार्म होते हुए डोईवाला से और फिर देहरादून पहुंचना होगा और यह तकरीबन 30 किलोमीटर का एक्स्ट्रा रन उन लोगों को करना होगा। ऋषिकेश से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी। पुल टूटने की खबर एबीपी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई तो प्रशासन एक्टिव हुआ। मौके पर पहुंचकर टूटे हुए पुल का रास्ता बंद करने के लिए दोनों तरफ पर अस्थाई दीवार बनाई गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं इस समय खड़ा हूं देहरादून नेशनल हाईवे जो देहरादून से लेकर गढ़वाल को जोड़ता है और ये रानी पोखरिया एरिया इलाका कहा जाता है। यहाँ कल एक ब्रिज नीचे गिर गया था, गिरते गिरते बाद में उसका दूसरा हिस्सा भी गिर गया था और इस समय लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है, लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। लोगों का कहना है कि जो भी लोग उनके घर में बीमार हैं उनको खाने पीने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी जिला प्रशासन ने कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं की। जिला प्रशासन के लिए यही कह रहा है कि हम इस मामले की जाँच कर रहे हैं और इतना समय हो गया अभी भी मौके पर कुछ नहीं है, केवल रास्ता बंद कर दिया जिसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब जरा सुनिए कि पुल टूटने से कैसे स्थानीय लोगों की जिंदगी पर इसका असर पड़ा है। एक दो साल से जर्जर स्थिति में हो रखा था लेकिन प्रशासन ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि कहने में यह आया था कि ये पुल इसके जस्ट बगल में दूसरा पुल भी बनने के लिए है पर लेकिन प्रशासन ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिससे कि आज की स्थिति को देखते हुए यहाँ के जो कर्मचारी बेचारे जो नज़दीक यहाँ नौकरी कर रहे हैं उन्हें 12-13 किलोमीटर दूर होके जाना पड़ रहा है। तो लोगों के सामने अब मुसीबत है। देहरादून में रहने वाले अनमोल बताते हैं कि इस पुल के टूटने से अब दूसरी तरफ जाने के लिए 2 से 2.5 घंटे का अतिरिक्त समय लगेगा। सर ये करीब 12 बजे की घटना है, ये पुल पे ऐसा हुआ था कि 3-4 गाड़ियां उस तरफ से आ रही थी और ये पुल अचानक धंस गया। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा क्योंकि हमारे पास जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। ये तो है ही है पुल बंद, ऊपर थानों की तरफ से वहाँ भी पानी बहुत आ रहा है, वहाँ भी हमारे पास रास्ता नहीं है। नीचे घमंडपुर वाला पुल तो 2 साल पहले ही टूट गया था, वो भी नहीं बनाया गया है, तो अब हमारे पास जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता। उत्तराखंड के धारचूला में भी कुदरत की मार पड़ी है। लोगों के सामने दोहरा संकट बना हुआ है, एक तो लगातार हो रही बारिश और दूसरी चुनौती बारिश की वजह से पहाड़ों से लगातार गिर रहा मलबा। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि कैसे लोगों के घरों में पानी के साथ साथ मलबा भी जमा हो रहा है जिसे साफ करते हुए लोग दिख रहे हैं। ये तस्वीरें टनकपुर तवाघाट नेशनल हाईवे के तड़कोट इलाके की हैं। मल्ली बाजार इलाके में लोगों के घरों में मलबा घुस गया है, पानी भरने की स्थिति यहां पर बन गई है। हल्द्वानी में लगातार बारिश की वजह से बंगाली कॉलोनी में बने कई घरों में पानी घुस गया। मूसलाधार बारिश की वजह से यहां पर मुसीबत जो शुरू हुई है वो खत्म होने का इंतजार लोग कर रहे हैं। घरों में पानी घुसने से राशन और घर में रखा हुआ बाकी सामान भी अब खराब हो रहा है। लोगों को बारिश रुकने और यहाँ पर हालात सामान्य होने का इंतजार है। हल्द्वानी की तस्वीरें आप देखिए, लोगों के घरों तक में पानी और मलबा घुस रहा है। तो लगातार हो रही बारिश पूरे उत्तराखंड के लिए परेशानी का सबब है।
हल्द्वानी से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी आप देखिए। कल देर रात से हो रही बारिश की वजह से लाल कुएं के रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं और सबसे ज्यादा असर काशीपुर से बरेली को जाने वाले रेलवे ट्रैक पर पड़ा है। बारिश की वजह से सिग्नल भी यहाँ पर खराब है, ट्रैक पर भी इसका असर है। स्टेशन मास्टर के मुताबिक पानी कम हो जाने की वजह से पानी जब कम होगा उसके बाद ट्रैक की जांच होगी और उसके बाद ही ट्रेन सेवा शुरू हो पाएगी। फिलहाल ट्रेनों के रुकने से यात्रियों को भी दिक्कत हो रही है। ट्रैक लाइन नंबर 7, 8, 9, 10 के ऊपर जो है 7-8 इंच पानी बह रहा था काफी फोर्स में, इस चलते गाड़ियां प्रभावित हो रही हैं। 53-35 जो है आउटसाइड खड़ी है, अभी भी गुलरबो साइड पुलिया के नीचे 1 फीट पानी बह रहा है। जब तक पानी कम ना होगा और ट्रैक फिट मिलेगा उसके बाद ही गाड़ी चल सकते हैं। अभी तक लाइन क्षतिग्रस्त होने की बात नहीं है। हाँ, जहाँ पर प्लेटफॉर्म वगैरह है था वो टूट हुई है, वो देखो लाइन पानी खत्म हो जाने के बाद ही पता चलेगा। जोशीमठ की भी तस्वीरें आप देखिए, बारिश की वजह से कैसे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यहां पर बंद हुआ है। प्रशासन हालांकि इसे खोलने में जुटा हुआ है, जगह जगह हाईवे बंद हो जाने से गाड़ियां फंसी हुई हैं। भारी बारिश की वजह से जनजीवन भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं, उत्तराखंड का जोशीमठ इलाका, जगह जगह मलबा आ जाने से रास्ता ब्लॉक हो गया है। कोशिश इसे दुरुस्त करने की भी लगातार हो रही है। बिहार का भी हाल आपको दिखाते हैं, कैसे यहां पर सुपौल में एक थाने के अंदर पानी घुस गया है। बारिश की वजह से जो बारिश का पानी यहां पर आया, पूरे थाना परिसर को उसने अपने कब्जे में ले लिया है। सुपौल के निर्मली शहर में थाना जलमग्न हो गया। थाना परिसर, जल संसाधन विभाग का आईबी, पुलिस इंस्पेक्टर आवास, पुलिस बैरक सहित शहर के तकरीबन 600 से ज्यादा घरों में पानी भरा हुआ है। सुपौल जिला, जहां का ये निर्मली थाना का आप हाल देखिए, बारिश की वजह से पूरी तरह स्थिति बदहाल है। बैरक में रह रहे हैं, पुलिस बैरक में, तो यहाँ पे हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। बारिश की वजह से पानी पूरा रूम में भर गया है, हम लोग खाना पीना में बहुत दिक्कत हो रहा है, सोना भी इसी में ही सब चीज करना पड़ रहा है, दिक्कत तो है ही है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है, नगर पंचायत की बहुत भारी कमी है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था होती तो आज इस तरीके से हर सड़क पर पानी नहीं लगा होता, लोगों को आवागमन में दिक्कत नहीं है। जिस भी सड़क में जाएं वहां पर भर ठेवना पानी लगा हुआ है, वहां जाना आना मुश्किल हो रखा है, दुकानें डूब गई हैं, करोड़ों रुपए की संपत्ति की क्षति हुई है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।